वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टीज होती है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आती है तभी आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस करिएगा। तो आज के क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है इसको आप पहले बेहतर तरीके से आप समझ लीजिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। तो एक इलेक्ट्रीशियन को जो है इलेक्ट्रिक फॉल्ट की रिपेयरिंग करनी है और जिस पोल पे रिपेयरिंग करनी है उस पोल का हाइट 4 मीटर दिया गया है। अब यहाँ देखो क्या दिया गया है। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। और उस पोल पे जिस पॉइंट पे फॉल्ट है वो पॉइंट जो है पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे है। अब आगे दिया गया क्या कि व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लैडर दैट ही शुड यूज व्हिच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो जिस पॉइंट पे फॉल्ट है उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए, जो लैडर जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करिए, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसका अगर आप डायग्राम बना लीजिए। अगर आप डायग्राम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन आपको आसानी से मिल जाएगा। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो पोल का हाइट ऑलरेडी 4 मीटर है। तो मान लीजिए कि ये ए बी जो है ये पोल है, क्लियर, जहाँ ए जो है ए पॉइंट जो है इस पोल का टॉप है और बी बॉटम है। इसका जो हाइट है वो क्या है, 4 मीटर है। अब दिया गया है कि इस पोल के जिस पॉइंट पे फॉल्ट है वो पॉइंट जो है पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे है। तो मान लीजिए सी पॉइंट पे फॉल्ट है, क्लियर, और ये जो सी पॉइंट जो है इसके टॉप ए से कितने मीटर नीचे है, 1.3 मीटर, ये मान लो ए है, ठीक है ना। तो इस सी पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपने लैडर लगा दिया, मान लो सेट लैडर आपने लगा दिया सी क्यू, क्लियर, और ये ध्यान रखना सी भी चूंकि ये जो पोल जो वर्टिकल है, क्लियर, तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा इस हॉरिजॉन्टल के साथ। लेकिन ये जो लैडर है इस हॉरिजॉन्टल एंड क्यूबी के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको जो है इस लैडर का लेंथ यानी जो सी क्यू जो लैडर है इसका आपको लेंथ पता करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप ये पता करने की कोशिश करो कि सी बी का लेंथ क्या होगा, क्लियर। तो सी बी का लेंथ कैसे निकालोगे, देखो जो पोल का जो टोटल हाइट है वो 4 मीटर का है, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब क्या करो कि इसमें जो एसी वाला जो हिस्सा है ना इसको आप माइनस कर लो। अगर माइनस कर लोगे तो ये सी बी का लेंथ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या माइनस करेंगे, 1.3 मीटर ये माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 2.7 मीटर में मिल जाएगा, सॉल्व करोगे तो इसको। तो ये जो है आपने ये पता कर लिया कि जिस पॉइंट पे फॉल्ट है वहां से लेकर के बॉटम तक, क्लियर, जो डिस्टेंस बनना है वो 2.7 मीटर का बनना है, क्लियर। अब आपको ये सोचना है कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चार्ट पढ़ा है साइन कॉस और टेन का, इसमें आप किसका इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, साइन कॉस या टेन। अगर आप टेन का इस्तेमाल करते हैं तो टेन डिपेंडिंग करेगा क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्लियर। तो बेस आपको पता करना नहीं है, क्लियर, तो आप टेन का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सोचते हैं कि हम कॉस का इस्तेमाल करते हैं तो कॉस जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस पता नहीं है, हाइपोटेनस एक्चुअली में जो हाइपोटेनस है वही तो लैडर का लेंथ है। तो ना बेस पता है ना हाइपोटेनस पता है तो कॉस का इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं है। तो अब यहाँ देखिए कि क्या साइन वाला लेने से क्या काम बन जाएगा आपका। अब साइन लेते हो तो साइन डिपेंड करेगा क्या, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये जो है, अब यह ध्यान रखना कि कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो ट्रायंगल सी बी क्यू लीजिएगा, क्लियर। तो ट्रायंगल जब सी बी क्यू जब लेंगे और साइन का इस्तेमाल करते हैं तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी दिया गया है, हाइपोटेनस यही जो है लेटर का लेंथ हमें निकालना होगा। तो क्या करेंगे कि साइन 60 लेंगे, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री हो गया क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, सी बी। यहाँ पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको ट्रायंगल लेना होगा सी बी क्यू लेना होगा, क्लियर। अब इस सी बी क्यू में देखिए जब साइन 60 जब आप लेंगे तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन हो गया, सी क्यू हो गया। अब
साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी जरूरी है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 3 बाय 2 होती है। सी भी जो दिया गया है 2.7 मीटर और सी क्यू आपको पता करना है। गॉट इट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई सी क्यू में करोगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 सी क्यू इज इक्वल टू 2.7 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5.4 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे सी क्यू आपको पता करना है जो कि लैडर का लेंथ है, तो सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5.4 मीटर और नीचे जो है डिनोमीटर में क्या हो गया, अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो जैसा कि जानते हो रेसलेशन आपने पढ़ा होगा कि क्यों करते हैं, अगर डिनोमीटर इरेशनल नंबर है तो हम क्या प्रोसेस लगाएं कि जो डिनोमीटर जो है इरेशनल से किस में चला जाए, रेशनल में चला जाए। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट 3 से डिनोमिनेटर में और अंडर रूट 3 न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अंडर रूट 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, जो सी क्यू का लेंथ क्या बन गया है, सी क्यू इक्वल टू होगा क्या 5.4 अंडर रूट 3 मीटर और देखो नीचे क्या हो गया, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 में जब करोगे तो 3 हो जाएगा, और इस 5.4 को जब 3 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1.8 अंडर रूट 3 मीटर। तो सी क्यू का जो लेंथ होगा यानी जो लेटर का जो लेंथ होगा वो 1.8 अंडर रूट 3 होगा, या अगर आप इसको डेसिमल में इवेल्यूएट करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट 3 की जो वैल्यू जो होती है वो डेसिमल में कितना होता है, मतलब अगर हम 3 प्लेस तक देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732 डेसिमल के 3 प्लेस तक, लेकिन आपको वो रिजल्ट अगर आप 2 प्लेस तक निकाल रहे हो तो आप क्या करिएगा कि 1.8 और अंडर रूट 3 की वैल्यू जो है हम डेसिमल के सिर्फ 2 प्लेस तक लेते हैं तो ये हो जाएगा 1.73 क्लियर, और इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप मीटर में आप निकाल लीजिएगा। सो आई होप मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। अगर और भी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन का सिग्नल आपको दिखाई दे रहा होगा, वीडियो के एंड में भी मैंने प्लेलिस्ट मैंने लगा के रखी है, इवन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोल के जरूर देखें, वहाँ से भी आपको यूजफुल वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।